नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे बाप की अदालत में। आज इस इंसान पे मुकदमा चलने वाला है, उसका नाम है टिंकू यादव। और इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच सीधे आए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े न्यूज एडिटर्स के चेयरमैन के यहाँ झाड़ू लगाने वाले मिस्टर झाड़ू वाले। ई का ससरा धान का आपने बेइज्जती करवाने आ रहे हैं का? अरे अरे नहीं सर, आप कृपया करके बुरा ना माने, जैसा नाम वैसा काम। ई का मतलब अगर हमारा नाम मिस्टर झुंझुन वाला होता तो हमका सबका झुंझुना ही आते का। तो क्या रहे होगा तुम? अरे वकील जी, ये जज साहब की शक्ल ऐसी सही में चप्पल चोर है। आपको पूछ के बताएंगे हम जज साहब से। अरे ऑर्डर ऑर्डर। हाँ एक बड़ी गोल्फ लेक सर, आप कुछ लेंगे तो प्लीज बता दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, एक गिरने के अंदर मंगवा लो। अरे हम दुकान वाले नहीं हैं, अरे हम जज बने हैं, थोड़ी तो जज करो हमारी। वकील साहब जो तुम क्या करवा रहे हो? हमें समझ में तो आ नहीं रही कुछ। हाँ हाँ रुक जा, इज्जत करने देगी रुक जा। हाँ तो सर आप पे दूसरा इल्जाम ये है कि आप लोगों के मुंह पे बात करते करते पीक देते हैं। ये बात कितनी सच्ची है और कितनी गलत है, प्लीज आप जनता को बताइए। अरे ऑर्डर ऑर्डर। अरे पर बहरा इल्जाम तो हुआ ही नहीं अभी तक, दूसरे दुकान में पहुंच गए तुम। क्या ऑर्डर ऑर्डर, आप पहले का तो ऑर्डर लाए नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब एक काम करिए प्लीज। अरे वकील साहब कुछ उनसे तो पूछ लो। अरे गाय भैंस जैसा पेट उनका भरा आ रहा है, हमें तो लग रहा है डिलीवरी ना दे दें यहीं पे। हम जा रहे हैं भैया, हम जा रहे हैं। हाँ तो सर ये जो सवाल है वो जनता से नहीं है, वकील साहब पूछ रहे हैं, या वकील साहब आप पे एक इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर आप गाय और भैंस जैसा चारा खाना शुरू कर दें तो आप उनसे ज़्यादा दूध दे सकते हैं। ये वाली बात कितनी सच्ची और कितनी गलत है, प्लीज़ आप जनता को बताएं। हमारी कसम। हाँ जज साहब, ऐसी पेट में छुपा के आपको गायब कर सकते हैं। यूपी से हैं हम, हाथ छोड़ने में देर नहीं लगाते। देखो देखो साहब, ये वकील चूतिया बना रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो एक बात बताइए साहब, हमने सुना है कि यूपी में लोग गाली देने में या गाली बनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये बात कितनी परसेंट सही है? अरे बिल्कुल सही है जज साहब। अरे हमारे गांव के बच्चे ले लो, हमसे गाली पर ट्यूशन लेने आते थे। जब हम सारे पैसे मांगते इतने निकम्मे थे कि हम उल्टा वो गाली देके चले जाते थे और चार पर एडवांस में और दे देते थे। गांव की यादें थी अलग, बड़ी गाली सिखाई हमने, बड़ी गाली सिखाई हमने, ऐसे पीकना सिखाया बच्चों को। बच्चे कैसे पीकते हमें सिखाए? फोकस फोकस जिंदगी में बहुत मैटर करता है वकील साहब। वकील साहब जज साहब आप इसी के पीना। हाँ तो ये केस यहीं पर खत्म होता है। अरे रुको वकील साहब, इनने कोई अपना इल्जाम तो माना ही नहीं है, ये तुमने शो खत्म कर दिया। तुम्हारी माँ का मामले तुम्हारी कब तुम? एक्सक्यूज मी प्लीज। अल्लाह चल ठीक है, आते हैं ठीक है तो फिर केस खत्म। ठीक आते आते हाँ तो ये केस का माफ करिएगा, जज से भी गलती होती है, जज भी इंसान है। हाँ तो ये केस इस नतीजे में पहुंचता है कि का नतीजा, कोई इल्जाम था इनके ऊपर है? तुम चूतिया वकील ऐसे ही आ गए टाइम पास करने, हैं बंद कर। हाँ तो आज का पहला ज्ञान है कि हर हिलती हुई झाड़ी के पीछे भूत नहीं होता। वाह वाह कर, माफ कर, हर हिलती हुई झाड़ी के पीछे भूत नहीं होता, हो सकता है कि कोई अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहा हो। शुक्रिया। नमस्कार, जस्ट टू टॉक इन इंग्लिश, आई टेकिंग टू आवर यूट्यूब क्लासेस एवरी डे। Now, I working hard, you working hard, अरे हम पे देखो वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो, और मन करे ऐसे तो करता नहीं लेकिन मन करे कोई पिछली वीडियो देखने का तो ये रहे लिंक, जाइए
देखिए और हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब।